जिस सुप्रीम कोर्ट के मानयोग बेंच ने संजय सिंह को जमानत दी है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की जमानत को रद्द किया है। अरविंद केजरीवाल जी को, तेंदर जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को क्यों जमानत नहीं मिली अगर वो शराब घोटाले में नहीं थे? तो बड़ा स्पष्ट है, इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जिनके चलते शराब घोटाला साबित होता है, इसलिए इनको जमानत नहीं मिल रही। संजय सिंह जी को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, बेल मिली। इसमें एक बात आज स्पष्ट होगी, शराब घोटाले में जो आम आदमी पार्टी अब तक झूठ बोलती आ रही थी कि पीएमएलए में तो किसी को जमानत मिलती नहीं, जिस सुप्रीम कोर्ट के मानयोग बेंच ने संजय सिंह को जमानत दी है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की जमानत को रद्द किया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत ना देते वक्त कहा कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, 338 करोड़ रुपए की टेंटिव मनी ट्रेल है, उनको जमानत नहीं मिल सकती। उनकी क्यूरेटिव एप्लीकेशन भी मानयोग फुल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के रद्द की। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को क्यों जमानत नहीं मिली अगर वो शराब घोटाले में नहीं थे? तो अगर वो शराब घोटाले में नहीं थे तो उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को क्यों नहीं सुना, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को जमानत दे दी? तो बड़ा स्पष्ट है, इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, इन लोगों के खिलाफ प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इन लोगों के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिनके चलते शराब घोटाला साबित होता है, इसलिए इनको जमानत नहीं मिल रही।